हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। इस शो के बारे में हम कुछ खास बातचीत आज करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स भी आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये तो देखा होगा कि किस तरीके से अक्षरा एक लॉयर बनना चाहती है, अपने लॉ के एग्जाम्स को नहीं दे पाती है क्योंकि अक्षरा को अपने पति अभिनव शर्मा की बेल जो करवानी होती है, जो कि ड्रग्स के केस में फंस जाते हैं। यहाँ पर उनकी गाड़ी में एक टूरिस्ट का बैग होता है जिस बैग में ड्रग्स पाए जाते हैं और पुलिस को यही लगता है कि वो बैग और किसी का नहीं बल्कि अभिनव शर्मा का है। अब ऐसे में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबर फैल रही है, तो उस तरीके से कहा जाए तो शो का ट्रैक यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आप सभी को जल्द ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर बदलती है अभिनव और अक्षरा की जिंदगी, जहां पर कि अभिनव अक्षरा से काफी कुछ कहते हुए भी नजर आने वाले हैं, तो वहीं अभिनव क्या कहते हैं अक्षरा से, जिसके बाद कि अभिनव अक्षरा की जिंदगी बदल जाती है। जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी की फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चलने वाला है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने बखूबी देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी एक नए पड़ाव पर आ पहुंची है, जहां पर कि ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से अक्षरा ने अपने पति अभिनव शर्मा की बेल करवाई। यहाँ पर अक्षरा को एक लॉयर बनना है और अभिनव की बेल करवाने की वजह से पुलिस स्टेशन में फंसे रहने की वजह से अक्षरा अपने लॉ का एग्जाम नहीं दे पाती है, लेकिन हो जाती है अक्षरा इस चीज में पास कि वो अपने पति की करवा देती है बेल, जहाँ पर कि वो अपने पति अभिनव शर्मा को बेगुनाह भी साबित करती हुई दिखाई देती है। अब ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इस शो के बीते हुए एपिसोड बीते हुए ट्रैक में ये देखने को मिला था कि अभिमन्यु बिरला ने शिवजी के सबसे बड़े मंदिर में अपने प्यार का खुलासा किया था अक्षरा के सामने, तो वहीं इस प्यार को देर से ही लेकिन यहाँ पर समझ जरूर जाएंगे अभिनव शर्मा, जहाँ पर कि अभिनव को इस बात का होगा एहसास कि जितना प्यार अभिनव करते हैं अक्षरा से, असल में अभिमन्यु का प्यार अक्षरा के लिए उससे कई ज्यादा है। यहाँ पर अभिनव की पत्नी अक्षरा और अभिमन्यु का प्यार ऐसा है जिसे कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती है। ऐसे में शो का एक इंटरेस्टिंग सा ट्रैक जल्द ही आप सभी के सामने किया जाएगा पेश, जहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहां पर अक्षरा के पति यानी कि अभिनव शर्मा खुद ब खुद अक्षरा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभिनव शर्मा को इस बात का एहसास हो चुका है कि अक्षरा और अभिमन्यु की जोड़ी दुनिया में कितनी ज्यादा मायने रखती है उनके लिए भी और दुनिया के सभी सदस्यों के लिए भी। अब ऐसे में अभिनव शर्मा एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए भी नजर आने वाले हैं, जहां पर कि आप सभी को ये देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अभिनव शर्मा अक्षरा को डायरेक्ट ऑर्डर देते हुए नजर आएंगे एक पति के तौर पर कि अक्षरा अगर अभिनव को अपना दोस्त समझती है तो अक्षरा वो सब कुछ करे जो अभिनव अक्षरा से करने के लिए कह रहा है, जहां पर कि अभिनव अक्षरा से यही कहते हैं कि वो वापस चले जाए अपने शहर में अपने प्यार के पास यानी कि अभिमन्यु बिरला के पास, और जल्द ही अभीर की सच्चाई सभी घर वालों को साथ ही साथ अभीर को भी बता दे। सोशल मीडिया पर आप सभी ने ये खबर तो पढ़ी होगी कि अब जल्द ही इस शो से जय सोनी की यानी कि
अभिनव के किरदार को निभाने वाले शख्स जो कि है जय सोनी, उनकी एग्जिट होने वाली है। अब इससे पहले जय सोनी की यानी कि अभिनव शर्मा की एग्जिट हो इस शो से, असल में मेकर्स कहीं ना कहीं अभी की असली पहचान सभी के सामने लेकर आना चाहते हैं, तो वही करवाना चाहते हैं अभिमन्यु और अक्षरा का मिलन, जहां पर कि अक्षरा अपने प्यार को रियलाइज नहीं कर पा रही है। बार बार यही कही जा रही है कि अक्षरा बिल्कुल भी नहीं करती है अभिमन्यु से अब प्यार, तो वही अभिनव शर्मा अक्षरा को उसके प्यार का एहसास भी करवाते हुए नजर आने वाले हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में यहाँ पर काफी सोचने समझने के बाद अभिनव शर्मा ये कदम उठाते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद कि अक्षरा की जिंदगी में एक और नए दुश्मन की एंट्री हो जाएगी और अक्षरा की वो दुश्मन और कोई नहीं बल्कि बनने वाली है आरोही नील बिरला, जो कि अभी बिरला हाउस में है, जो कि अभिमन्यु से शादी करना चाहती है। अब ऐसे में जब अभिमन्यु को चलेगा इस बात का पता कि अभिमन्यु के पास वापस लौटना चाहती है अक्षरा, तो उसके बाद अभिमन्यु आरोही से शादी तो बिल्कुल भी करते हुए नजर नहीं आने वाले हैं, बल्कि रूही को इस बात के लिए प्रिपेयर करते हुए नजर आने वाले हैं कि आखिरकार क्यों अभिमन्यु बिरला आरोही से शादी नहीं कर रहे हैं, आखिरकार अभिमन्यु किस औरत से करते हैं प्यार। इन सभी बातों का खुलासा अभिमन्यु रूही के सामने करते हैं, लेकिन एक एक कर ताकि सभी बातों को रूही अच्छी तरीके से समझ सके और अभिमन्यु की बात सही साबित भी होती है, क्योंकि रूही सभी बातों को बखूबी समझ भी लेती है। अब देखना असल में दिलचस्प ये होने वाला है कि शो का ये ट्रैक मेकर्स कब तक शो में लेकर आने वाले हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर अभिनव और अक्षरा के बीच में भले ही रोमांस देखने को क्यों ना मिला हो, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अभिनव ने अक्षरा से ये कहा कि अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनके प्यार को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं खत्म कर सकती है, अब ऐसे में ये रियलाइजेशन हो चुका है अभिनव शर्मा को भी। यहाँ पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आप सभी ने खबरें पढ़ी होंगी तो उनमें यही लिखा था कि अभिनव की जल्द ही इस शो से एग्जिट होगी, यानी कि जय सोनी जो कि इस शो में अभिनव शर्मा का किरदार निभा रहे हैं उनका किरदार खत्म हो जाएगा, और जैसे ही होगा उनका किरदार खत्म तो उसके बाद अक्षरा अपने एक्स हस्बैंड यानी कि अभिमन्यु बिरला के पास वापस चली जाएंगी और अभीर का सच भी आ जाएगा अभिमन्यु और बाकी बिरला हाउस के मेंबर्स के सामने। देखना दिलचस्प होने वाला है इस शो के इस ट्रैक को, क्योंकि यहाँ पर कई सारे एक नए ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। मेकर्स क्या कुछ नया दिखाएंगे इस ट्रैक में, कौन से नए नए ट्विस्ट लेकर आएंगे, देखना जाना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसके अपडेट आप सभी तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो वहीं उन अपडेट को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 TV News को।